जापान के जो प्रीमियर गए भारत के अंदर, उनकी स्टेटमेंट्स किसी ने पाकिस्तान में कवर ही नहीं की। वो बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म के बारे में देखे गए। अगर आप ज्वाइंट स्टेटमेंट पढ़ेंगे उस विजिट की जो के पाकिस्तान के हवाले से है, वो बड़ा खतरनाक है। उनकी फॉरेन पॉलिसी कहते हैं कि वो देखे हमारा पड़ोसी भारत है, हिंदुस्तान है, वो बैलेंस करता है, और यार वो पैसे मांगता है हर जगह जाके। आपको अभी डॉलर दिखाए, आपको आपको डॉलर नजर आते हो नेपाल से, तो आप अभी नेपाल चले जाएंगे। मेरा मकसद आप भारत की मिसालें देने से पहले आप देखो तो सही आप कहां खड़े। और इन्होंने आज सुबह मुझे खबर दी कि इमरान खान अब इस्तीफा दे देंगे। देखिए डेवलपमेंट ये है कि कल चीजें इस तरह से अचानक बनी है, फौज परेशान है, उनको कल ये कह दिया गया है कि आप इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो हो रही है अगले दो दिनों तक, इनको आप इसको आप निपटा लें, 24 को तमाम मेहमान चले जाएंगे, 25 को आप इस्तीफा दें और अपने घर जाएं। यानी कि दरअसल नो कॉन्फ्रेंस मोशन की कोई जरूरत पड़ने वाली ही नहीं है। इस बीच में उनको संदेश दिया जा चुका है इमरान खान को कि आप 25 को फारिग हैं, आप 25 को अपना इस्तीफा दें और अपने घर जाएं। लेकिन अगर इमरान खान को निकाला जा रहा है तो उसके उनके ऊपर अगर केसेस बनेंगे, मैंने तो ये तक सुना है कि जेल भी तैयार हो रही है, जो ये कहा करते थे नवाज शरीफ के पंखा निकाल दो, एसी निकाल दो, टीवी निकाल दो, ये सब इनके साथ भी होने जा रहा है। और इस किस्म के इनके जितने इनके आगे पीछे टेढ़े मेढ़े जितने लोग इन्होंने जमा कर रखे हैं, इनमें से कुछ तो भाग भी गए हैं। जी जी, एक बात तो ये भी है कि खान साहब कह रहे हैं कि मैं तो जाने को तैयार हूं लेकिन मुझे इंग्लैंड जाने दिया जाए, यानी उस मुल्क में जहां पे मियां साहब मौजूद हैं और उनको ये सुबह दोपहर शाम गालियां देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INN न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दरअसल इस वीडियो में बात हो रही है पाकिस्तान के कंगाली के बारे में। दोस्तों इस ऐसी पाकिस्तान की बेइज्जती आपने कभी पहले नहीं देखी हुई, क्योंकि इसमें खुद पाकिस्तानी ये बात बता रहा है कि अगर हमें नेपाल से डॉलर मिलने लगे तो हम उसके भी जूते चाटने लगेंगे। दोस्तों ये बात तो सही है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पैसा है, जहाँ से भी उनको पैसा मिलता है वहाँ पे उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो आके रुक जाती है और उस देश की वो बड़ाई करने लगते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि यही पाकिस्तान है जो कि अमेरिका की बड़ाई करता था, और आज यही पाकिस्तान है जो अमेरिका को लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति को झूठा और बहुत कुछ बोल रहा है, लेकिन आज वो तारीफ किसी की कर रहा है, वो चाइना की कर रहा है, क्योंकि चाइना से पैसे आ रहे हैं। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत रही है फॉरेन पॉलिसी की, कि आज तक कोई दुनिया जो है वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी शुरू से रही है वो कहीं ना कहीं डॉलर रही है, और इसीलिए पूरी दुनिया भी यह बात कहती है कि जो पाकिस्तान है उसको डॉलर दिखाओ तो वो जूते चाटने भी लगेंगे। और ऐसा इसलिए वीडियो में भी इसीलिए कहा गया कि नेपाल भी अगर पाकिस्तान को डॉलर दिखाए तो पाकिस्तान जो है वो नेपाल के जूते चाटने में तैयार हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस कंगाली के दौर पर पहुंच चुका है कि आज उसके अपने सरकारी लोगों को देने के लिए तनख्वाह या पैसे नहीं है जो कि उन लोगों को दे सके। तो पाकिस्तान की जो कंगाली है वो तो साफ साफ देखती हुई नजर आ रही है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के बारे में क्या क्या बोल रही है। जापान के जो प्रीमियर गए भारत के अंदर, उनकी स्टेटमेंट्स किसी ने पाकिस्तान में कवर ही नहीं की। वो बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म के बारे में देखे गए। उसके बाद आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया की एंगेज, उसके बाद आपने देखा है कि किस तरीके से वो रशिया से सस्ता तेल लेने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इकॉनमी के लिए, अपनी चीजों के लिए। हमारी पॉलिसीज किस तरफ है, चाइना अपने सारे एग्स चाइना की बास्केट में डालने से पहले हमने ये भी नहीं सोचा कि चाइना एक वो मुल्क है वो कभी अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट डिसीजन नहीं लेता, तो वो आपके इश्क में इतना आगे नहीं जाएगा कि भारत को एज ए कस्टमर लूज कर जाए। लेकिन आपकी आंखों पर पट्टी होती है हमेशा। जापानीज फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंडिया में बैठ के बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और ज्वाइंट कम्युनिके के दे रहे हैं। अगर आप ज्वाइंट स्टेटमेंट पढ़ेंगे उस विजिट की जो के पाकिस्तान के हवाले से है, वो बड़ा खतरनाक है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करती होगी कि जापान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की स्टेटमेंट देगा, और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सीधा सीधा फेलियर है। और उसमें ये पाकिस्तान के बारे ये कहते हैं टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जहां जहां पूरी दुनिया में है उसको खत्म किया जाए और उसके ऊपर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो रिट्रेट करते हैं और कंडेम करते हैं टेरर अटैक इन इंडिया इंक्लूडिंग 26/11 मुंबई एंड पठानकोट अटैक्स एंड कॉल अपॉन पाकिस्तान टू टेक रेजोल्यूट एंड इररिवर्सिबल एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट नेटवर्क्स ऑपरेटिंग आउट ऑफ इट्स टेरिटरी एंड कंप्लाई फुली विद द इंटरनेशनल कमिटमेंट्स इंक्लूडिंग FATF। मेंशन करना चाहूंगा खान साहब के इंडिया भारत के साथ फॉरेन पॉलिसी के कंपैरिजन पर। मैं तो खैर शुरू से ये कहता हूं कि आपका इंडिया के साथ किसी
किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं है, बल्कि आपके हालात बेहतर हो जाएंगे अगर आप इंडिया से अपना कंपैरिजन करना छोड़ दें। पहले आप अभी तक भारत के खिलाफ चलते रहे, अब उनकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफें कर रहे हो। उनकी फॉरेन पॉलिसी कहते हैं वो देखिए हमारा पड़ोसी भारत है, हिंदुस्तान है, वो बैलेंस करता है, और यार वो पैसे मांगता है हर जगह जाके। आपको अभी डॉलर दिखाए, आपको आपको डॉलर नजर आते हो नेपाल से, तो आप अभी नेपाल चले जाएंगे। मेरा मकसद आप भारत की मिसालें देने से पहले आप देखो तो सही, आप वहां खड़े हो, वहां डॉलर पिछले 10 साल से 67-70 रुपीज पे है, आपका डॉलर अब मिल नहीं रहा 185 पे, 184 पे हो रहा है, फिर भी नहीं मिल। यू आर लिविंग इन किस दुनिया में रह रहे हैं आप? जो मुझे बताया कि इमरान खान इस्तीफा देने वाले, क्या उन्होंने घुटने टेक दिए हैं आर्मी के सामने? दूसरी चीज, ये इस्तीफा कब तक हो सकता है? देखिए डेवलपमेंट ये है कि कल चीजें इस तरह से अचानक बनी है, फौज परेशान है, उनको कल ये कह दिया गया है कि आप इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो हो रही है अगले दो दिनों तक, इनको आप इसको आप निपटा लें, 24 को तमाम मेहमान चले जाएंगे, 25 को आप इस्तीफा दें और अपने घर जाएं। 25 तारीख की सुबह आपको याद होगा पार्लियामेंट को 25 तारीख के लिए बुलाया जाना है, और जो स्पीकर है वो बदमाश है असद कैसर, तो वो बदमाशी ये कर रहा है कि किसी एक एमपी की मौत हो गई है तो वो उस एमपी की शोक घोषणा कर और वो फिर से पार्लियामेंट को लपेट देना चाह रहा है। तो इस पर दबाव बनाने के लिए 25 तारीख की सुबह लाहौर से मरियम नवाज शरीफ और डेरा गाजी खां से मौलाना फजल रहमान, ये लोग अपनी अपनी पार्टी के तमाम जलसा लेकर इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। 11 बजे तक उनको खबर 12 बजे तक लग जाएगी और उसके मुताबिक तय किया जाएगा कि फिर वो लोग यहां पहुंचकर अगर स्पीकर ने बदमाशी की तो धरना दे दिया जाएगा। आपको याद होगा कि जब मुशर्रफ पर दबाव डाला जा रहा था उस समय भी नवाज शरीफ जो है अपना एक पूरा जलसा लेकर चले थे, जुलूस लेकर चले थे, और वो रास्ते में ही थे जब उनको टेलीफोन कर दिया गया था कि भाई आप लोग वापस जाएं, मुशर्रफ इस्तीफा दे रहे हैं। ये ठीक वैसी ही स्थिति दोबारा बन रही है। तीसरी चीज जो उनको दबाव डाला जा रहा है कि 24 तारीख तक के लिए टाइम दिया गया है PMLN Q जो काफ लीग है उसको और MQM को। आज दोपहर लगभग इसी समय मौलाना फजल रहमान MQM से कराची में मिल रहे हैं। इन सबको डेडलाइन दी जा रही है 24 तक की कि 24 को आप अपना फैसला दे दें कि भाई हम अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं। यानी कि दरअसल नो कॉन्फिडेंस मोशन की कोई जरूरत पड़ने वाली ही नहीं है। इस बीच में उनको संदेश दिया जा चुका है इमरान खान को कि आप 25 को फारिग हैं, आप 25 को अपना इस्तीफा दें और अपने घर जाएं। ये खबर भी आ रही थी कि वो तैयार हैं इस्तीफा देने के लिए, लेकिन क्या वो अब भी अड़े हुए हैं? अभी भी अड़े हुए हैं, वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, मगर इसीलिए ये तमाम कंडीशंस ऐसी क्रिएट की जा रही हैं जहां पर उनके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा बचे नहीं। खबर उनको दी जा चुकी है कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, अगर आप शराफत से नहीं जाते हैं तो फिर वही होगा कि आपको पकड़ कर बाहर निकाला जाएगा। जब अलाइज जो आपके अलाइज हैं अगर वही आपके साथ नहीं है तो आप नो कॉन्फ्रेंस में जाकर करेंगे क्या? अगर फॉर्मली वो आपको लेटर दे देते हैं कि भाई वी हैव विथड्रॉन द सपोर्ट, तो खत्म हो गया ना। ओके, तो क्या ये माने कि इमरान खान सेना के सामने झुक गए? कोई चारा है? जो जो असली पार्टी है जो पाकिस्तान चलाती है, आप उसके आगे झुककर नहीं चलेंगे तो आप जाएंगे कहां? जो जो तमाम गणना नजर आ रही है वो यही कि 25 तारीख को उसको जाना है और उसको ये बात फॉर्मली बता दी गई है। फॉर्मली मतलब उसको ये संदेश दे दिया गया है फौज की तरफ से कि भाई आप पैक करें और जाएं। तो क्या इंस्टेंटली शहबाज शरीफ के पास सपोर्ट है कि वो आके प्राइम मिनिस्टर बन जाए? सपोर्ट से ज्यादा, उनको जितनी चाहिए उससे ज्यादा है। इस समय जो अलाइज हैं, जो ऑलरेडी वीडियो पर आ चुके हैं, जो सिंध हाउस में जो थे वो 12-13 मेंबर हैं। इस बीच में जो एक और खास खबर जो आपको देने की थी वो ये कि कल चौधरी सरवर जो गवर्नर हैं पंजाब के, उन्होंने कहा है कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं और किसी भी मेंबर को नून लीग ने या PPP ने किसी किस्म का कोई पैसा या कोई रिश्वत ऑफर नहीं की है। लेकिन अगर इमरान खान को निकाला जा रहा है तो उनके ऊपर अगर केसेस बनेंगे, मैंने तो ये तक सुना है कि जेल भी तैयार हो रही है, जो ये कहा करते थे नवाज शरीफ के पंखा निकाल दो, एसी निकाल दो, टीवी निकाल दो, ये सब इनके साथ भी होने जा रहा है। तो इनके साथ साथ ये इनके जो मिनिस्टर है ये असद उमर और इस किस्म के इनके जितने इनके आगे पीछे टेढ़े मेढ़े जितने लोग इन्होंने जमा कर रखे हैं, इनमें से कुछ तो भाग भी गए हैं। जी जी, एक बात तो ये भी है कि खान साहब कह रहे हैं कि मैं तो जाने को तैयार हूं लेकिन मुझे इंग्लैंड जाने दिया जाए, यानी उस मुल्क में जहां पे मियां साहब मौजूद हैं और उनको ये सुबह दोपहर शाम गालियां देते हुए नहीं थकते।
कभी क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं। तो अब कहते हैं कि बाकी बातें तो हो गई है, खान साहब कह रहे हैं कि ठीक है लेकिन बस मुझे आप लोगों ने कुछ कहना नहीं है। लेकिन आज एक चीज और है आखिर में पूछूंगा आपसे कि इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली अपोजिशन के लोग हैं वो बड़े स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, क्या नजर आ रहा है कि अब एस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल हो गई है या क्या चीजें वैसे क्या बातें चल रही हैं इस्लामाबाद की राहदारियों में? देखिए ये एस्टेब्लिशमेंट तो हर तीन साल के बाद चार साल के बाद न्यूट्रल हो जाती है, चाहे नवाज शरीफ को निकालना हो, बेनजीर को निकालना हो, किसी और सिविलियन गवर्नमेंट को निकालना हो, ये लोग यही कहते हैं कि हम तो न्यूट्रल है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है इस्लामाबाद में, और इमरान खान साहब ने घबराना शुरू किया या बस सिर्फ आवाम के ऊपर टाइट किया हुआ है स्क्रूज? नहीं बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब थोड़े घबराए हुए नजर आ रहे हैं। तो खान साहब और दूसरी तरफ उनकी पार्टी के लोग कुछ अजीब किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि जी हम चले गए हैं, टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज दे रहे हैं कि हम चले गए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो बार बार कह रहे हैं कि जी मैं जो है वो बाप की तरह हूँ मुल्क के इस वक्त जाहिर एज अ प्राइम मिनिस्टर, और जो लोग चले गए वापस आ जाए मैं माफ कर दूंगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो खान साहब